भाई मैंने एक आखिरी काम और कर देंगे आप। मेरे जाने के बाद आप टोनी और उसके आदमी पर नजर रखिए, क्योंकि आप मेरी जिंदगी का हर लम्हा उसको मारने के इंतजार में गुजरे। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इस तरह सत मुल्क से बाहर चला गया और दिन रात इसी कोशिश में लगा रहा के वापस आए और उन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाए जिन्होंने उसे बर्बाद किया। फिर 3 साल बाद उसे मौका मिला उनसे बदला लेने का, वो पाकिस्तान आ रहा था। 12 घंटे थे उसके पास और इन 12 घंटों में उसे इन 5 को खत्म करना था, लेकिन इस बार भी किस्मत ने उसके साथ धोखा किया। उन लोगों को पता चल गया कि वो पाकिस्तान वापस आ रहा है। उन्होंने मुझ पर दबाव डालने के लिए तुम्हें किडनैप कर लिया। अजीब मुश्किल में गिरफ्तार था मैं, एक तरफ बेटी की मोहब्बत दूसरी तरफ दोस्त। फिर मैंने फैसला कर लिया। राजा अपना ख्वाब है कि मैं इस शहर के ऊपर राज करूं, लेकिन टोनी का क्या होगा? टोनी का ही तो सारा मसला है। अगर टोनी रास्ते से हट जाए तो ये ख्वाब मेरा जल्द पूरा हो सकता है। ये ख्वाब तुम्हारा बहुत जल्द पूरा होगा। हाँ। क्यों बुलाया है तुमने? पहले तो तू ऊंची आवाज में बात नहीं करता था, बहुत ऊंची आवाज में बात करने लगा है। वक्त वक्त की बात है और ये खेल है। खेल में बाजी कभी इस तरफ तो कभी इस तरफ। ठीक कहता जा, ये खेल ही था। खेल खेलने का तुझे मौका दिया और अब ये मौका तेरे हाथ से मैं ही छीन लूँ। तुम क्या खेल खत्म करोगे? ये खेल मैं ही खत्म करूंगा। नहीं टोनी, टोनी तुम ऐसा नहीं कर सकते। टोनी मैं नहीं, टोनी
टोनी, मैं तुम्हारा पुराना साथी हूँ। नहीं प्लीज टोनी, नहीं खुदा के वास्ते, देखो हमारे गैंग में गद्दारी की सजा मौत।